ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और कौन से अध्याय से आया है? तो ये अध्याय नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उस अध्याय से ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये 1 नंबर में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है अपन को, देखो इसको समझते हैं अपन। रैखिक समीकरण युग्म, एक ये दो रैखिक समीकरण दे रखे अपने को, एक्स प्लस वाई बराबर 14 व एक्स माइनस वाई बराबर 4 को हल कीजिए। मतलब इन दोनों को सरल करना है अपनों को, और एक्स और वाई के मान बताने हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, कर देते हैं। तो देखो पहली समीकरण दे रही है अपनों को एक्स प्लस वाई बराबर 14, और दूसरी दे रही है एक्स माइनस वाई बराबर 4। अब देखो ये वाई क्या है, ये समीकरण 1 मान लो और ये समीकरण 2। अब देखो ये वाई माइनस का है तो मैं इसको इधर भेज दूंगा, तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बराबर 4 प्लस वाई। अब x का मान कितना आ गया अपना 4 प्लस वाई। ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दो इसको x का मान। तो x की जगह ये देखो, x की जगह क्या रखूँगा मैं, y प्लस 4। तो देखो 4 प्लस वाई बोल दो या वाई प्लस 4 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस देखो x की जगह रख दिया मैंने 4 प्लस वाई, और ये y, ये प्लस का चिन्ह ऐसा कैसे ही, और ये y ऐसा कैसे ही, ये बराबर का चिन्ह, और इधर क्या था 14, तो ये 14। अब देखो 4 और ये y और y कितना हो जाएगा, तो ये 4 तो ऐसा कैसे ही, प्लस y और y 2y बराबर 14। अब ये 4 प्लस का है तो ये इसको बराबर के इधर भेजूंगा, तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो देखो इधर यहाँ समझना, तो ये 2y बराबर ये 14 ऐसे कैसे, और ये 4 जो था ना प्लस का, ये इधर आ गया बराबर, तो किसका हो गया माइनस का, है ना। तो 2y बराबर 14 में से 4 घटा तो कितने बचेंगे 10। ठीक है, 14 में से 4 घटाए 10। अब देखो ये 2 इस y के गुणा में, तो मैं इसको बराबर के इधर भेजूंगा तो कहाँ चला जाएगा भाग में, तो y बराबर आ जाएगा अपना 10/2, और 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो y का मान आ गया अपना 5। ठीक है, तो y का मान तो आ गया। अब x का मान भी निकालना है, तो x का मान यहाँ रख दो। तो देखो ये x बराबर था अपना 4 प्लस वाई, तो ये 4, और y की जगह क्या रखेंगे 5, तो ये 5। तो x बराबर आ गया अपना 4 और 5 9। तो x का मान कितना आ गया अपना 9। किसी भी समीकरण में रख सकते हो, है ना। तो y का मान ये 5 आ गया, तो 1 में रख दो, 2 में रख दो, यहाँ रख दो, कहीं पे भी, इन तीनों में कहीं पे भी रख दो, तो आपको x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।